टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द नॉरेड। नॉरेड मीन्स नॉन एड्रेनलिन। कल मैं पिछला लेक्चर में मैंने बताया था आपको एड्रेनलिन के बारे में, इस बार बता रहा हूँ नॉरेड के बारे में। दिस इज द ड्रग वी जनरली यूज इन द इमरजेंसी कंडीशन। जैसे कि इमरजेंसी कंडीशन कि कोई पेशेंट आता है शॉक में जिसका बीपी फॉल ऑन रहता है, तो हमको बीपी को रेस करने के लिए वी यूज द नॉरेड ड्रग्स। दे वेसोप्रेसर एजेंट नॉरेड एंड वेसोप्रेसिन, ये दो ड्रग है जो कि बीपी को रेस करता है। और भी ड्रग है लेकिन मेनली ये नॉरेड और वेसोप्रेसिन हम लोग वार्ड में यूज करते हैं बीपी को रेस करने के लिए, ठीक है ना। तो आज हम बताएंगे नॉरेड का डोसिस सिस्टम में कि डोस नॉरेड का कैसे हम लोग देते हैं इमरजेंसी में, ठीक है ना। लेट्स से कि नॉरेड में क्या होता है कि 1 एम्पल में 2 ml होता है फ्लूड जिसमें 4 mg होता है नॉरेड। लेकिन ये सबको पता होता है कि 2 ml 4 mg होता है। जनरली जब आप देखिएगा एम्पुल में उसमें लिखा हुआ रहेगा 4 mg, लेकिन वहां पे टर्म लिखा हुआ है टाइट्रेटेड। अगर ये टाइट्रेटेड एमजी है 4 mg, तो इसका मतलब होता है 2 ml में 2 mg ही नॉरेड है। ये समझना डॉक्टर्स लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट है कि जनरली वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट कि 2 ml में 4 mg मांग के हम लोग चलते हैं, लेकिन ऐसा गलत बात है। 2 ml में 2 mg होता है क्योंकि 4 mg का जो डोज लिखा रहता है वो टाइट्रेटेड डोज रहता है। तो हम लोग लेके चल रहे हैं ये होता ही है 2 ml में 2 mg होता है, ठीक है। अब हमको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, जैसे कि बीइंग ए डॉक्टर इफ आई प्रिस्क्राइब दिस ड्रग एज अ 0.05 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, हाउ शुड वी नो कि कितना ml पर आवर में सिरिंज पंप में ये चलेगा ड्रग। सिरिंज पंप जो लगा हुआ रहता है इमरजेंसी में कि टाइम के अनुसार कितना ml में हमको कितना ड्रग देना है ना। तो लेट्स सी सबसे आसान तरीका निकालने का, ये मिनट हो गया, कितना लेते हैं हम घंटा के हिसाब से लेते हैं, तो 60 मिनट हो गया एक घंटा में, ठीक है। पर्सन का वेट मान लीजिए 50 kg है, ठीक है, और डिजायर्ड डोज जो दे दिया है यहाँ पे हमको 0.05 दे दिया है डिजायर्ड डोज, ठीक है। हमको अब मल्टीप्लाई करना है इसको क्वांटिटी से, तो क्वांटिटी कितना है सिरिंज पंप का, कितना वॉल्यूम होता है 50, एज वी ऑल नो दैट 50 होता है। और हमको पता है क्वांटिटी कैसे 50 बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट जानना है, क्योंकि हमको पता है नॉरेड हमेशा 46 ml ऑफ NS में मिलाते हैं, तो 46 ml ऑफ NS में नॉरेड मिलाते हैं, तो नॉरेड कितना मिलाएंगे 50 होने के लिए, 4 ml मिलाएंगे, और 4 ml में कितने mg होगा, वी नो दैट 4 ml में 4 mg होगा नॉरेड, है ना। 2 ml में 2 mg होता है, तो 4 ml में 4 mg नॉरेड होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो ये दोनों मिला के 50 ml होता है ना, 50 ml फ्लूड हो जाता है आपका, ये 50 ml फ्लूड क्वांटिटी हो गई है। बाकी ये हो गया टाइम, ये हो गया पर्सन का वेट, कितना वेट का वो इंसान है, और ये डिजायर्ड डोज जो डॉक्टर लिखे हैं एज आई प्रिस्क्राइब कर लिया, और ये जो डोज है मैक्रो डोसिंग है, इसको हम नीचे में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलीग्राम के लिए, ठीक है। और हमको इतना पता होना चाहिए कि टोटल डोज कितना है, अवेलेबल डोज मेरे सिरिंज में कितना है, ये सिरिंज पंप है इसमें अवेलेबल डोज कितना है, 50 ml का तो ये है, इसमें 46 ml तो नॉर्मल से लाइन है, लेकिन इसमें 4 ml नॉरेड है जिसमें कि 4 mg का डोज है ना। तो अवेलेबल डोज जो मेरा इसके अंदर सिरिंज पंप में है, अवेलेबल डोज सिरिंज पंप में 4 mg है, तो 4 mg यहां लिख देंगे, है ना। तो ये अगर कैलकुलेशन करेंगे तब आपका आ जाएगा 1.9 ml पर लीटर, 1.9 ml पर आवर होगा। इस स्पीड से हम लोग नॉरेड चलाएंगे किसी भी पर्सन को ठीक करने के लिए। दिस इज द रेट, किस रेट से चलाया जाता है। इट इज सो सिंपल एज आई हैव टॉक्ड अर्लियर कि जैसे कि हम लेते थे एड्रेनलिन, तो वहां पे 46 या 47 ml लेते थे, और 3 ml हम इसमें क्या मिला देते हैं, ADR मिला देते हैं। 47 ml नॉर्मल से लाइन देते थे और 3 ml नॉर्मल से लाइन 3 ml ADR मिला देते हैं। तो एड्रेनलिन डोसेज सिस्टम ये होता है। तो नॉरेड क्या होता है, 4 ml प्लस 46 ml, तो 50 दोनों 50 करना, सिरिंज पंप का वॉल्यूम कितना है मेरा 50 ml का, तो 50 हमको इसमें फिक्स करना है, ठीक है ना। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि इसमें नॉरेड में कभी कभी क्या होता है कि नॉरेड को ADR इक्वल समझिए, वहां 1 ampere का होता था, ADR में 1 ampere का होता था, यहां पे क्या होगा 2 ml का, सॉरी यहां पे 1 ampere में कितना होगा, ADR में क्या था कि 1 ampere में कितना हो रहा था, 1 ampere में होता 1 ml इक्वल टू 1 mg, ये ADR का डोज था। और इसमें नॉरेड में हमको 1 ml में क्या था, 2 ml था, 1 ampere में कितना क्या था 2 ml है, जिसमें 2 mg है, ये दुगना है ना, ये नॉरेड हो गया,
तो हमको ये डोज समझना है और सिंपल टेक्निक है निकालने का, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना पड़ता है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देखिए, देख के निकाले, मिनट को घंटा में चेंज कर दिए, केजी को हम लिख दिए 50 केजी का पर्सन है ना, और डिजायर्ड डोज को यहाँ लिख दिए है ना, डिजायर्ड डोज को, और इसके बाद क्वांटिटी जो है 50, यहाँ से आगे 50 जो याद रखना है, खत्म। 1000 क्यों किए, 1000 क्यों किए, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मैक्रो डोसिंग में है और 4 हमारे पास टोटल अवेलेबल डोज है नॉनेट का। सो गाइस, इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड हाउ टू रन द नॉरेट इन द इमरजेंसी कंडीशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉरेट करता क्या, नॉरेट सिंपल सा काम करता है, ब्लड प्रेशर को रेस करता है। कैसे रेस करता है, वी हैव ऑल सीन कि अगर गार्डन में लोग पानी पड़ा रहे हैं कोई पाइप से, तो पाइप कस के दब दिए आगे, तो जो फ्लो और रेट बढ़ जाता है, सेम कम नॉरेट करता है, वो पुश करके प्रेशर को बढ़ाता है। जैसे ही वो ब्लड वेसल को कॉम्प्रेस करेगा नॉरेट, तो क्या होगा, सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस एक बार बढ़ता है तो उससे क्या होगा, उसे बीपी बढ़ जाएगा। तो जनरली वी सी पेशेंट इन शॉक दैट, जिसको मेंटेन करना है बीपी, हम लोग डॉक्टर एज ए डॉक्टर हमको मेंटेन करना है बीपी, तो वी आर डूइंग दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन।